चलो आज चॉकलेट नहीं आइसक्रीम खाते हैं। नहीं यार आज चॉकलेट खाते हैं। नहीं आज आइसक्रीम खाते हैं, कल खा लेंगे चॉकलेट। नहीं ना कल मैंने आइसक्रीम खिलाई थी ना, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर, मैं चॉकलेट। चल ठीक है। हाँ बेटे। अंकल मुझे कबूतर चाहिए। कबूतर चाहिए? हाँ। कबूतर बेटे, कबूतर भी और पिंजरा भी दोनों हैं 1000 रुपए के। 1000 रुपए? 1000 रुपए के हैं भाई। तुम यहाँ पर क्या कर रहे है? मुझे कबूतर चाहिए। तुझे कबूतर क्यों चाहिए पता है ना मम्मी पापा की? देख तो सही कितना प्यारा है। हाँ यार वैसे प्यारा तो है। कितने रुपए का है? 1000 रुपए का पिंजरा भी और ये भी। क्या 1000 रुपए? हाँ 1000 रुपए। 1000 रुपए हम कहाँ से लाएंगे? पापा तो नहीं देंगे, पापा डांटेंगे। आज दादू से मांगते हैं। आज दादू से मांगते हैं। दादू क्या पढ़ रहे हो? दिख नहीं रहा क्या? दादू लगता है इसको भी चश्मा लगवाना पड़ेगा। सीधे सीधे बता तुझे क्या चाहिए, दादू मना थोड़ी करेंगे। दादू मुझे कबूतर चाहिए। कबूतर? हाँ कबूतर। ये नया बुखार तुझे कब से हो गया? दादू प्लीज ना प्लीज। दादू बस 1000 रुपए की तो बात है, प्लीज दे दो ना प्लीज दादू। 1000 रुपए कबूतर के लिए? जानवी लगता है दादू ऐसे नहीं मानेंगे, दादी को बताना ही पड़ेगा वो आइसक्रीम किसने खाई थी। ठीक है आज दादी को बता देते। क्या रुक 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 रुको बैठो यहाँ पे, कहाँ जा रहे हो? कितने पैसे चाहिए? 1000 रुपए। मैं तो मजाक कर रहा था, दे दूंगा। कोई जरूरत नहीं है यहाँ कबूतरों की। तुम कबूतरों से कम हो क्या? गंदगी कौन साफ करेगा, तुम करोगे? और तुमको तो मैं बाद में देख लूंगी, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हो। बच्चों तुम जाओ जाके पढ़ाई कर लो, जाओ। रुक। क्या हुआ? क्या ही? खाना है। तुझे पता है ना मैं ये खाता नहीं हूँ। कभी कभी तो बनता है, बच्चों को पसंद भी है। तो बच्चों को जाके खिलाना, मेरे सामने क्यों रख देती रोज रोज? ठीक है शांत रहो, कुछ और ले आती हूँ। अब रहने दे, खाना नहीं है मुझे। खाना तो कुछ होता नहीं है, बस पीना ही होता है। ऐसा करो तुम पी के ही सो जाओ। अरे लेके जा इसे यहाँ से। कबूतर भी और पिंजरा भी दोनों हैं 1000 रुपए के।
ममता आई, मेरे पर्स से पैसे किसने निकाले? मैं क्यों निकालूंगी? वो तुम जानो, बिना पूछे क्यों निकाले? मैंने नहीं निकाले, पीके कहीं खर्च कर दिए होंगे। वैसे भी पीके तुम्हें होश ही कहाँ रहता है? तू बताएगी मुझे हैं? होश में रहने के लिए तू बताएगी मुझे? एक काम तो तुझसे ठीक से होता है। रोज पीके आते हो और घर में भी पीते हो, पता है बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? मेरे बच्चे समझ जाएंगे। अपने पैसे की पीता हूँ, तेरे बाप के पैसे की नहीं पीता। तो जाओ ना, धूप मारो शराब में। चल निकल यहाँ से। सारा घर पे भी पैसा सेव नहीं। माँ, भैया कहाँ हैं? वो तो पहले से ही शराब में डूबा हुआ था, दो दिन से घर में ही नहीं आया जब से ममता गई है। और माँ, ध्रुव कहाँ है? कबूतर इम्पोर्टेंट नहीं था, मम्मी इम्पोर्टेंट थी। अगर मैं पैसे ना चुराता तो मम्मी आज मेरे साथ होती। मम्मी मेरी वजह से गई हैं, पैसे भी मैंने ही चुराए हैं। मैं बहुत बुरा हूँ। बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी नजर नहीं आ रहे। माओ बाहर बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तुझे वापस पे जाना होगा। कितने दिन हो रहे हैं? ध्रुव और जानवी की चिंता है, बच्चों की क्या गलती है? माँ, मैंने फैसला किया है कि मैं अपना बिजनेस यहीं सेटअप कर रहा हूँ, और ध्रुव और जानवी मेरी भी जिम्मेदारी है, मैं सब संभाल लूँगा। याद आ रही है? किसकी? मम्मी की। पता है बेटा, 18 साल का हो गया तू आज। फ्रेंड्स आ रहे हैं ना शाम को? चाचू, पता है क्यों मैं इन कबूतरों को हर साल कैसे आजाद करता हूँ? हाँ, मुझे पता है। और ये कहना चाहता हूँ कि जो होना होता है वो हो जाता है। इसके लिए खुद को जिम्मेदार समझने से कुछ हासिल नहीं होता। चाचू, इसका मतलब आपको पहले से मालूम था? हाँ, मुझे सब पता था। और ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ में आगे बढ़ो और खुश रहो। चेयर अप नाउ, चलो आज़ाद करते हैं इस कबूतर को।